अब देखी अब आदमी जीत जान तो को आदम जाए कीत तो आवते ना कि छोड़ देनी का पुरान का मुखिया मुखिया तो करा देल बन तो आ को करा देल हाँ करा होता नहीं देख तो बनी छह महीना, हाँ, महीना हो गए अच्छा। तो। तो सब महीन के पहले जन कार्यकाल रहे वो नहीं तो जी सूची में सब कोई के नाम देले बड़न सीरियल बाय सीरियल आई जेकर अब का पता है लोग के नाम बाटे कि ना ना हो तो मैंने बहुत कोशिश रही कैसे एक चार नम्बर वार्ड जोन सबसे ज्यादा मान गरीबी बाटे में चार नंबर वार्ड में ऐसा ऐसा आदमी बा मान बीस पच्चीस ऐसा घर के घर नहीं खे मान बहुत एक घर में कम से कम दस फैमिली बीस फैमिली रह तटे अपन गुजारा कर तटे कितना दिन बाद हम फिर दोबारा आए आप आइए सचिव चुनाएगा और उसके बाद कितना सु... महीना बाद दो महीना चार महीना जब आइए चार महीना में आप घर बनवा देंगे घर हम कैसे बनवा देंगे हम तो इनका नाम जोड़ कर देंगे आगे जो भी है बनियापुर प्रखंड के कराह गाँव में है हम वार्ड नंबर चार है जी हाँ यही वार्ड नंबर चार जिसका पहला वीडियो मैंने किया था अभी और अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं

एक पतो है जो मतलब बहू है इनकी बेटे की पत्नी है नई नई शादी हुई है और दूसरे एक घर में रहते हैं इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है चार नम, अच्छा चार नंबर वार्ड है क्या आप नए जीते हैं वार्ड हैं है आप यहाँ के वार्ड है चार नंबर के चार नंबर वार्ड के घरवा कहे के पास घरवा तो सूची देखे के पड़ी एक पहले जो मुखिया बाटे बाँे लिस्ट में नाम दिल बन कितना पाँच महीना हो गए पाँच महीने तो अभी हमने के सचिव के चुनावे नहीं खेबल अच्छा वी पेंडिंगे में चल हटे सचिव के चुनाव जब हुई तब ना हमने के मैं आगे प्रक्रिया का बा एक एक अभी जो आवास पास भा तो जगह खाली हुई तो फिर से नया जो बाँटे तो सबको नाम हिख के पाँच महीन के पहले जो कार्यकाल रहे मुखिया जी कहे केहना बनवा रोतमाली गांव के ओहरी नागरिक होके हम ओहरी वो वार्ड ना रहने लेकिन वो जाना तो हम नो हम जाना तो नहीं वो तो माने मुखिया जी सूची में सब कोई के नाम दे ले बारां सीरियल बाई सीरियल आई जेकर अब कहाँ पता है ये लोग के नाम बाटे की ना ना होई तो हमारा तो मन बहुत कुर्सी रही कैसे एक चार नंबर वार्ड जोन बाटे सबसे ज्यादा मन गरीबी बाटे में चार नंबर वार्ड में ऐसा असन आदमी बा मैंने बीस पच्चीस ऐसा घर घर नहीं है मैंने बहुत एक घर में कम से कम दस फैमिली बीस फैमिली रह तटे अपन गुजारा करत तटे मैंने दूसरा घर में खेत में खलिहान में अपने सुत तटे तो हमारा मैंने इलेक्शन में खड़ा हुई के ये रहे कि अपना वार्ड में प्रोग्रेस सचिव जब सब सारा एथी सारा सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा सचिव का चुनाव हो जाएगा आप इनके घर को बनवाएंगे बनवाएंगे मेरा कोशिश रहेगा बनवाने का कोशिश बहुत लोग कर, बहुत, लो कर नहीं नहीं कोशिश तो बहुत लोग कर दिया लेकिन हमको जो चुना है ना समझिए कि वो हम तो मैंने बड़े दिन बाद हम फिर दोबारा आए आप आइए सचिव चुनाएगा और उसके बाद महीना बाद दो महीना चार महीना जब आइए चार महीना में आप घर बनवा देंगे घर हम कैसे बनवा दे हम तो इनका नाम जोड़ कर देंगे आगे जो भी है हमारा कहे की मुखिया और, और वार्ड का काम नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पास हाँ। बाकी ये लोग लिस्ट बना के भेजता है और एक चीज हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जिनका भी आवास योजना पास हो रहा है उसको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है ना मुखिया को ना वार्ड को कि का लोगों का उसमें कुछ भी के के मांगा मुखिया बता बीस हजार दे दो सचिव बता अब, अब, अब पहले मंगले बलो सब पैसा ना देनी, देनी हम हम एक चाची हंस रही हैं बाकी ये हंसी नहीं है इनकी आप नहीं समझ रहे हैं इनकी ये हंसी नहीं है इनका ये दुख है जो ये व्यक्त नहीं कर पा रही हैं बिहार का ऐसा ही माहौल है कि किसी के सामने जो महिलाएं हैं ज्यादा बोल नहीं पाती हैं हाँ हाँ, देखते हाँ। देखते बाकी मामला क्या है आप समझ रहे होंगे कि मुखिया जी ने बीस बीस हजार रुपए मांगे थे इंदिरा आवास पास कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पास कराने के लिए कि आप बीस हजार रुपए देंगे तो आपका घर बन जाएगा और उसमें भी एक लाख बीस हजार ही मिलता है और उसमें भी कमीशन का दौर ऐसा चलता है कि जो पैसे बचते हैं उसमें आप एक बरामदा भी नहीं बनवा पाएंगे तो ये सिर्फ एक मजाक है इंदिरा आवास के नाम पे और ये लूट का एक तरीका है जिससे मुखिया लोग पैसा कमाता है जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो लोग पैसा कमाता है और सबको परसेंटेज जाता है सबके पैसे कमाई हो जाते हैं लेकिन उस गरीब का घर नहीं बनता है आप देख सकते हैं कि घर गिरा हुआ है दूसरे घर में रह रहे हैं लेकिन लेक समझिए क्या स्थिति है बाकी सब कुछ पेंशनों ना आवास योजना है ना पेंशन योजना है कुछ भी चीज यहाँ पे लागू नहीं है बाकी आगे और भी स्थिति दिखाएंगे आपको बन रही है हमारे साथ